आज हम बात करने जा रहे हैं निकोला टेस्ला की। क्या आप इन्हें जानते हैं? शायद नहीं। बहुत लोगों ने आइंस्टाइन, न्यूटन, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, मगर ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने निकोला टेस्ला का नाम सुना है। टेस्ला एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने काफी सारे चीजों का इन्वेंशन किया है, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। तो आइए आज हमारे एपिसोड में जानते हैं टॉप 10 फैक्ट्स निकोला टेस्ला के बारे में। दस, टेस्ला और एडिसन की जंग। क्या आपको पता है रोजाना की जिंदगी में आप जो पावर या करंट इस्तेमाल करते हैं वह कहां और कैसे जनरेट होता है? नहीं तो आपने एसी या अल्टरनेट करंट के बारे में तो सुना होगा। टेस्ला और एडिसन की जंग इसी करंट को लेके हुई थी। कहा जाता है कि सन 1893 में वर्ल्ड एक्सपो शिकागो में इन दोनों के बीच में करंट को लेके काफी चर्चा हुई थी। एडिसन डायरेक्ट करंट यानी डीसी का समर्थन कर रहे थे, जबकि इसमें काफी सब हानि होती है। वहीं पे टेस्ला ने पहली बार अल्टरनेटिंग करंट पे बात की, जो कि फायदेमंद थी। सबको टेस्ला का सुझाव अच्छा लगा और बाद में एडिसन ने टेस्ला का आइडिया चुरा लिया। मगर आज भी अमेरिका में टेस्ला कंपनीज ही पावर सप्लाई करती हैं। 9, इलेक्ट्रिक मोटर। हम सब ये जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में चलने वाले पंखे, बल्ब, पानी का पंप, घड़ी, कार और अलग अलग चीजें सब इलेक्ट्रिक मोटर से चलती हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार सबसे पहले टेस्ला ने किया था? जरा सोचिए कि मोटर के बिना आज आपकी जिंदगी कैसी होती। ना सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर, टेस्ला ने और भी बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया था, जिसमें एसी करंट, रेडियो, एक्सरे, वायरलेस कम्युनिकेशन, रोबोटिक्स, लेजर, ये सब शामिल हैं। उन्होंने मानवता के विकास के लिए काफी सारे चीजें इन्वेंट की थी और हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट्स खुद पे या किसी वस्तु पे करते थे। आप सुन के हैरान होंगे कि उनके कंटेम्प्रेरी थॉमस अल्वा एडिसन अपने एक्सपेरिमेंट्स पशुओं पे किया करते थे। उन्होंने टेस्ला को दिखाने के लिए डीसी करंट का प्रयोग पहले एक कुत्ता और बाद में टॉप्सी नामक हाथी पे किया था और दोनों में ही पशुओं की मौत हुई थी। ये एडिसन की आज तक की सबसे निंदनीय घटनाओं में से एक है। 8, टेस्ला पे आइंस्टाइन का मंतव्य। टेस्ला एक महान वैज्ञानिक थे और उनको बाकी वैज्ञानिक भी बहुत सम्मान देते थे। इन्हीं में एक नाम है विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन। एक समारोह में आइंस्टाइन से पूछा गया था कि उन्हें कैसा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि वे दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट और स्मार्ट जीवित इंसान हैं। उन्होंने जवाब में कहा था कि उन्हें नहीं पता ये क्या होता है। शायद इसका जवाब आपको निकोला टेस्ला दे सकते हैं। आइंस्टाइन के हिसाब से भी टेस्ला बहुत महान साइंटिस्ट थे और उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। 7, स्वामी विवेकानंद और टेस्ला। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं और मानते हैं कि इन दोनों के बीच में भी कभी मुलाकात हुई थी, मगर ये बात सच है। स्वामी विवेकानंद ने ना सिर्फ टेस्ला से मुलाकात की थी, बल्कि उन्होंने निकोला टेस्ला को वैदिक ज्ञान के बारे में भी बताया था। ऐसा माना जाता है कि टेस्ला को फिजिक्स की बहुत सारी जानकारी स्वामी विवेकानंद से प्राप्त हुई थी। वैदिक कॉस्मोलोग्य और फलसफा, आत्मा परमात्मा का मिलन, ये सब टेस्ला ने विवेकानंद से सीखा था और इसे मैथमेटिकल कैसे साबित किया जाए उस पे टेस्ला ने बहुत काम किया था। 6, टेस्ला के एक्सपेरिमेंट्स। निकोला टेस्ला स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित हुए थे। दोनों चाहते थे कि वेदांता और फिजिक्स के बीच में एक संबंध बने। ऐसा माना जाता है कि आकाशिक फिजिक्स के बारे में विवेकानंद ने टेस्ला को बताया था। आकाश और प्राण के बीच में क्या संबंध थे ये टेस्ला सोच रहे थे। उनका ये मानना था कि इन दोनों को लेके पोटेंशियल एनर्जी बन सकती है और उससे भी कुछ ज्यादा, मगर वह एनर्जी को साबित नहीं कर पाए थे। बाद में आइंस्टाइन ने अपने मशहूर इक्वेशन E=mc² में ये साबित किया था। 5, टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट। निकोला टेस्ला ने टाइम ट्रैवल पे भी काम किया था। उन्होंने ये रिसर्च अपने ऊपर भी किया था और एक संबंधिक को बताया था कि उन्होंने एक ही समय में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिखाई देता है। उनका ये मानना था कि स्पेस और टाइम में अगर आप मैग्नेटिक एनर्जी सही तरह से लगा दें तो आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें खतरा बहुत है और उन्होंने खुद ये महसूस किया था जब उन्हें 2.5 मिलियन वोल्ट का झटका लगा था
और वह काफी हद तक मर ही जाते अगर उनके असिस्टेंट ने सही समय पे पावर बंद नहीं किया होता। कहा जाता है कि अमेरिका के आर्मी ने भी सन 1945 में टेस्ला के इस आइडिया पे एक समुद्री जहाज पे टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। आर्मी काफी हद तक सफल भी रही थी अपनी जहाज गायब करने में, मगर उन्होंने इस बात की पुष्टि कभी नहीं की और आज भी ये एक राज है। 4. निकोला टेस्ला से जुड़े हुए राज। निकोला टेस्ला को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस इंसान माना जाता है। उन्होंने अपने समय के हिसाब से काफी सारी आधुनिक चीजों का आविष्कार किया था। कहा जाता है कि टेस्ला को 8 भाषाओं की जानकारी थी और उनके मरते वक्त उनके नाम से 700 पेटेंट्स भी थे। उनके महत्वपूर्ण आविष्कारों में बल्ब से लेके एक्सरे तक है। यहाँ तक कि वह दूसरे दुनिया के प्राणियों से भी बात कर पाते थे और टाइम ट्रैवल करने वाले पहले मनुष्य थे। वे अपने हर इंटरव्यू में कहते थे कि सारे वैज्ञानिक बहुत से विषयों पे बात करते हैं, मगर कोई भी अपने इंट्यूशन के बारे में बात नहीं करता, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। 3. संख्या 3, 6 और 9 का राज। टेस्ला को जानने वाले ये कहते हैं कि उन्हें 3, 6 और 9 संख्याओं से एक ऑब्सेशन सा था। कुछ लोग कहते थे कि वे अंधविश्वासी थे और इसलिए उन्हें ये 3 संख्या में कुछ दिखता था। टेस्ला होटल के उसी रूम में रहते थे जिसका रूम नंबर 3 से डिवाइड हो सके। वह अपने प्लेट्स को 18 नैपकिन से पूछते थे और किसी भी जगह 3 चक्कर लगाते थे अंदर जाने से पहले। टेस्ला का मानना था कि अगर आप 3, 6, 9 से जुड़े हुए राज को समझ जाएं, तो आप पूरे ब्रह्मांड को समझ जाएंगे। 2. निकोला टेस्ला की शादी। क्या आप जानते हैं कि निकोला टेस्ला ने कभी शादी नहीं की? उनका ये मानना था कि महिलाएं खूबसूरत और आकर्षित होती हैं और साथ ही उनमें एक सॉफ्टनेस और ग्रेस होता है जिसे पूजा करने को मन करता है। मगर धीरे धीरे ये सारे गुण कहीं चले जा रहे हैं और मर्द और औरत दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। महिलाएं अपने आप को मर्दों से कम नहीं समझती और सबको एक चीज चाहिए, जो है फ्रीडम या स्वाधीनता। बस उसकी कदर करते हुए टेस्ला ने कभी किसी महिला से शादी नहीं की और वह अपने मरते दम तक अकेले ही थे। टेस्ला की मौत स्वाभाविक थी और उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। वह उस वक्त 86 साल के थे। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि उन्हें नाजियों ने मार दिया था। टेस्ला मरते वक्त काफी गरीब थे क्योंकि उनके सारे काम अलग वैज्ञानिकों ने चुरा लिए थे और उनके पीछे कोई भी बड़ी कंपनी या फाइनेंसर नहीं था। मरते वक्त उन्होंने दरवाजे पे डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा लिया था और उनका कमरा नंबर 3327 था। आप सुनके हैरान होंगे कि टेस्ला के मौत के बाद अमेरिकी गवर्नमेंट ने उनके घर पे रेड किया था और सारे एक्सपेरिमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स ले गए थे और आज तक उनके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो ये थे निकोला टेस्ला के बारे में टॉप 10 तथ्य। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये एपिसोड आपकी जानकारी के लिए कितने फायदेमंद का था। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।